नमस्कार दोस्तों और बड़ों को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा, कौन सी तारीख को मनाया जाएगा और इसके शुभ मुहूर्त कब है और भद्रा काल कब से शुरू हो रहा है और भद्रा काल में क्यों नहीं बांधनी चाहिए राखी। इन सब के बारे में आज जानकारी मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि किस समय किस मुहूर्त में राखी बांधनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों का प्रेम का त्यौहार है, स्नेह का त्यौहार है और सब अपने विधि अनुसार से राखी बांधते हैं, अपने परंपरा के अनुसार से राखी बांधते हैं। तो आज हम सबसे पहले बताएंगे कि रक्षाबंधन किस तारीख को है और रक्षाबंधन हर सावन पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस रक्षाबंधन की तिथि 11 अगस्त 2022 गुरुवार के दिन है। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी आपका 11 अगस्त सुबह 10:38 से। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 12 अगस्त सुबह 7:05 पर समाप्ति होगी। शुभ मुहूर्त है 11 अगस्त को सुबह 9:28 से रात के 9:14 तक। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर के 12:06 से 12:57 तक है। अमृत काल का समय है आपका शाम के 6:55 से लेकर के 8:20 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से लेकर के 5:17 तक। अब जानिए आपको किस समय आपको राखी नहीं बांधनी है। भद्रा काल कितने बजे से शुरू है? 11 अगस्त को आपको शाम के 5:00 से शुरू होकर के आपको 8:52 तक रहेगा। इस बीच में आपको राखी नहीं बांधनी है। इस बीच में भद्रा काल लगेगा, इस बीच में आपको राखी नहीं बांधनी। आप रात के 8:53 से आप राखी बांधे 9:00 बांधे 8:53 से बांधना शुरू कर दें और 9:00 रात को बांधे, 10:00 तक बांधे और सुबह 12 तारीख को भी आप राखी बांध सकते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि भद्रा काल में राखी बांधने से क्यों बचना चाहिए और कोई भी शुभ काम भद्रा काल के समय क्यों नहीं करना चाहिए। शुभ काम में जैसे कि आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं, प्लॉट नहीं खरीद सकते हैं, चाहे कोई भी आप कोई भी बड़ा चीज़ आप खरीद रहे हैं तो उस समय आप नहीं खरीदें। लड़का लड़की को देखा देखी भी करना हो तो भद्रा काल के समय नहीं कर सकते हैं। एंगेजमेंट है, भद्रा काल में नहीं कर सकते। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं शुभ काम तो वो आप नहीं करें, चाहे वो मुंडन हो चाहे कुछ भी हो तो भद्रा काल के समय आप नहीं करें। भद्रा काल का समय अशुभ होता है। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन थी। ऐसा मान्यता है कि जब भद्रा छाया के गर्भ से जन्म ले रही थी तो सारे समूचे सृष्टि में तबाही मच गई, सृष्टि तहस नहस होने लगा। सृष्टि में जहाँ पर भी किसी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होना था भद्रा वहाँ पर पहुँचकर सब कुछ नष्ट कर देती। इस कारण से भद्रा काल को अशुभ माना गया है। ऐसे में भद्रा काल में होने पर राखी नहीं बांधनी चाहिए, वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि भद्रा को ब्रह्मा जी ने श्राप भी दिया था। और इसी तरह एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। लंकापति रावण की बहन सुपर्णरेखा ने भद्रा काल में अपने भाई की कलाई पे, लंकापति रावण की कलाई पे राखी बांधी थी। एक साल के अंदर रावण का विनाश हो गया था। इन सब कारणों से रक्षाबंधन के समय भद्रा काल हो तो उस दौरान आप राखी नहीं बांधें।
तो आपने जान लिया कि भद्राकाल का समय क्या है। भद्राकाल का समय 11 अगस्त को शाम के 5 बजे से शुरू होकर के 8 बजकर के रात्रि के 8:52 तक रहेगा। उसके बाद आप कोई भी कार्य कर सकते हैं।